संधु, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज पोर्टल उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं आज दिन भर की फटाफट खबरें। कश्मीर में एक और हिंदू कर्मचारी की हत्या, आतंकियों ने बैंक मैनेजर को गोलियों से भूना, फेसबुक की सीईओ शेरिल ने दिया इस्तीफा, नहीं बताई कंपनी छोड़ने की वजह, बदहाली की कगार पर श्रीलंका, भारत से मांगी मदद, पाकिस्तान में चलते ट्रेन में 3 टिकट चेकरों ने लड़की के साथ किया गैंग रेप, सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सलमान खान की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर की युवती हैदराबाद में कर रही थी जॉब, फ्लैट में फंदे से लटकी मिली बॉडी, लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा, अब टोकन सिस्टम से भक्त करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन, चंपावत विधानसभा चुनाव 2022 मतदान के बाद स्ट्रॉन्ग रूम किया गया सील, बाजपुर में अवैध अतिक्रमण पर चली प्रशासन की जेसीबी, बाबा विश्वनाथ जगदीशिला की रथ यात्रा पहुंची रुद्रपुर, बैठा गांव में चकबंदी अधिकारियों पर लगा किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप, कासा ग्रीन के कर्मचारी की सैलरी न मिलने से हड़ताल पर नगर निगम में हड़ताल, हरिद्वार में नवजात और मां की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर किया हंगामा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा, सरोवर नगरी नैनीताल में लगा भारी जाम, ट्रैवलर्स को करना पड़ रहा काफी परेशानियों का सामना, हल्द्वानी के अंदर मुख्यमंत्री का कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध, चार धाम यात्रा में हेली सेवा के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया पोलियो प्रतिरक्षण अभियान, रुद्रपुर के जिला अस्पताल में पानी की किल्लत से गर्मी में बेहाल हुए मरीज, रुड़की में अवैध निर्माण पर जॉइंट मजिस्ट्रेट की कार्रवाई, पर्यटन विभाग ने हल्द्वानी में शुरू किया नया पंजीकरण केंद्र, श्रद्धालु अतिरिक्त कोटे से तुरंत करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, चंपावत उपचुनाव 2022 के मतदान में मतगणना की तैयारी हुई पूरी, अब खिलौने के कारोबार पर मुकेश अंबानी की नजर, बिग डील की तैयारी, सम्राट पृथ्वीराज उत्तर प्रदेश में की गई टैक्स फ्री, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे कैबिनेट के साथ देखी फिल्म, जगन्नाथ मंदिर के आसपास निर्माण कार्य रहेगा जारी या होगा बंद, कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला।